लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने मनरेगा मजदूरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा के जरिए मिलने वाली मजदूरों को राशि जो थी उसको बढ़ा दिया गया है। अप्रैल 2024 से ये जो राशि है इसका भुगतान शुरू हो जाएगा और इसमें अगर बाजी मारी है तो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा राज्य में जो मनरेगा की मजदूरों को जो राशि दी जाएगी वो बाकी राज्यों की तुलना में अधिक है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा किया है। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। सबसे ज्यादा मजदूरी 374 रुपए हरियाणा में मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 295 रुपए तो गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 236 रुपए मजदूरी तय की गई है। गोवा में मनरेगा की मजदूरी दरों में 10.6% तक का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2023-24 की तुलना में 2024-25 के लिए मजदूरी दर में सबसे कम 3% का इजाफा हुआ है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 234 रुपए मजदूरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 237 रुपए नई मजदूरी तय हुई है। बिहार झारखंड में मनरेगा मजदूरों को 245 रुपए हर रोज दिए जाएंगे। इससे पहले 24 मार्च 2023 को भी मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी की गई थी। अब ये भी समझ लीजिए कि मनरेगा क्या है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में की गई। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी योजनाओं के तौर पर होती है। इस योजना के तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है जिस पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को काम पर रखा जाता है। मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले काम अकुशल होते हैं, जिसमें गड्ढे खोदने से लेकर नाली बनाने जैसे काम शामिल हैं। योजना के तहत 1 साल में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है। याद दिला दें कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने मनरेगा के बजट में वृद्धि का ऐलान किया था। वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा का बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपए था, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।